लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के दो आइकॉन्स फेरुचियो लेम्बोर्गिनी और एंजो फेरारी के बीच की प्रसिद्ध राइवलरी को जानने के लिए ऑटोमोटिव इतिहास की आकर्षक दुनिया की सफर करेंगे। आप जानते ही होंगे कि लेम्बोर्गिनी और फेरारी दोनों स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनियां हैं और अपनी तेज रफ्तार और बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते ये स्पोर्ट्स कार्स दुनिया भर में खूब मशहूर हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि लेम्बोर्गिनी कंपनी पहले ट्रैक्टर्स बनाती थी और फिर वो क्यों दुनिया की सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कार्स बनाने लगी? इसके पीछे पैशन, इनोवेशन और राइवलरी से भरी एक रोचक कहानी है और आज के इस वीडियो में हम इस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए घड़ी को पीछे की ओर घुमाते हैं और एक साथ मिलकर इस कहानी के बारे में जानते हैं। मैं हूं यूडी और आप सभी का स्वागत करता हूं यूडी ट्यूब में। आशा करता हूं यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स देखने के लिए चैनल पेज को विजिट कीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारी कहानी इटली के सुंदर शहर सेंटो से शुरू होती है, जहां फेरुचियो लेम्बोर्गिनी नामक एक युवा जो महत्वाकांक्षी एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। शुरुआत में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सफल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लेम्बोर्गिनी ट्रैटोरी की स्थापना की। हालांकि उनका असली जुनून तेज कारों और इंजीनियरिंग में था। हाई परफॉर्मेंस वाहनों के प्रति उनके आकर्षण से प्रेरित होकर फेरुचियो लेम्बोर्गिनी ने 1963 में ऑटोमोबिली लेम्बोर्गिनी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य एक आदर्श स्पोर्ट्स कार बनाना था, एक ऐसी कार जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ को टक्कर दे सके। इटली में दूसरी ओर मारानेलो के चहल पहल भरे शहर में एंजो फेरारी पहले से ही रेसिंग और लग्जरी कारों की दुनिया में एक अच्छा नाम बना चुके थे। एंजो फेरारी ने अपने रेसिंग के पैशन के चलते 1929 में स्कुडेरिया फेरारी की स्थापना की थी। आप लोग अगर नहीं जानते तो बता देते हैं कि स्कुडेरिया फेरारी फेरारी कंपनी का रेसिंग डिविजन है और उसकी रेसिंग टीम फॉर्मूला 1 इवेंट में हिस्सा लेती है। एंजो फेरारी के परफॉर्मेंस और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट ने फेरारी की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाया था। इस वजह से फेरारी का लोगो गति, शैली और सफलता का पर्याय बन गया। फेरुचियो लेम्बोर्गिनी के हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स के पैशन के चलते उनके पास भी फेरारी कार थी, मगर फेरुचियो अपनी फेरारी कार के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि फेरारी कार के क्लच में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने ये बात फेरारी कंपनी के फाउंडर एंजो फेरारी को बताने का तय किया। जब फेरुचियो ने एंजो फेरारी को ये बात बताई तो इस बात से एंजो फेरारी नाराज हो गए। उन्होंने फेरुचियो को करारा जवाब देते हुए कहा, आप फेरारी कार चलाना नहीं जानते, बेहतर होगा आप ट्रैक्टर बनाए और मुझे कार बनाने दे। फेरुचियो ने जवाब देते हुए कहा कि मैं फिर कभी आपकी कार नहीं खरीदूंगा और अब से मैं अपनी खुद की कारें बनाऊंगा। 1960 के दशक में जैसे ही लेम्बोर्गिनी ने स्पोर्ट्स कार बाजार में प्रवेश किया, एक भयंकर राइवलरी ने जन्म लिया। लेम्बोर्गिनी की म्यूरा नामक कार ने अपने रेवोल्यूशनरी मिड इंजन डिजाइन के साथ फेरारी के प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। ये फेरुचियो की जिद ही थी, जिसने तेज रफ्तार घोड़े को पछाड़ने के लिए रेसिंग बुल को मैदान में उतारा था। वर्चस्व की लड़ाई जारी थी और दोनों कंपनियों ने एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की सीमाओं को बदल के रख दिया था। लेम्बोर्गिनी और फेरारी के बीच राइवलरी सिर्फ कारों के बारे में नहीं थी, यह विचारधाराओं का टकराव था, दुनिया भर के कार प्रेमियों के दिल जीतने की लड़ाई थी। आज फेरुचियो लेम्बोर्गिनी और एंजो फेरारी की विरासत जीवित है। लेम्बोर्गिनी और फेरारी द्वारा जारी किया जा रहा प्रत्येक नया मॉडल उत्कृष्टता का एक प्रमाण है। लेम्बोर्गिनी कंपनी ने अत्याधुनिक हाई परफॉर्मेंस वाली कारें बनाना जारी रखा है, जबकि फेरारी इटालियन लक्जरी और स्पीड का प्रतीक बनी हुई है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के इन दो दिग्गजों के बीच की राइवलरी ने इनोवेशन और डिजाइन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुपर कार्स की परिभाषा बदल के रख दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूले। ऐसे और भी फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।